दिल्ली के बुराड़ी इलाके में 20 मई को बीएसपी नेता मुनव्वर हसन के परिवार की हत्या के मामले में हत्या के आरोपी के निशानदेही पर दिल्ली पुलिस और मेरठ पुलिस की संयुक्त टीम ने मेरठ के इख्तियारपुर गांव की काली नदी से 3 शवों को बरामद किया है। हत्या आरोपी बंटी ने पूछताछ में बताया कि उसने बसपा नेता मुनव्वर हसन के परिवार के 3 शवों को दौराला इलाके में हत्या करके दफना दिया था, जिसके बाद से दिल्ली पुलिस हत्या के आरोपी की निशानदेही पर मेरठ पहुंची और जंगल में खुदाई के बाद 3 शवों को बरामद किया है। हरीश हमारे संवाददाता फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हरीश, काफी कह सकते हैं कि चौंका देने वाला ये सब खुलासे हैं जिस तरीके से सामने आया है, 3 शवों को निकाला गया है। पुलिस की कामयाबी तो हम माने ही, आगे अब इस आधार पर क्या पुलिस कार्रवाई करने वाली है, चूंकि अब निशानदेही पर पुख्ता सबूत भी पुलिस को मिल गया। हेलो, हरीश क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? लगता है हरीश तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। तो ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जब टीम रवाना हुई थी घटनास्थल के लिए और जहां से इन डेड बॉडीज को निकाला गया था। बीएसपी नेता की हत्या का ये मामला उससे जुड़ा हुआ मामला है और हत्यारे की निशानी हत्या के जो आरोपी है उसकी निशानदेही पर ये शव बरामद किए गए हैं। हमारे साथ हरीश एक बार फिर से जुड़ चुके हैं। हरीश क्या सुन पा रहे हैं आप मुझे? जी बिल्कुल, पुलिस को अहम सुराग मिल गए हैं, हत्या के आरोपी नहीं, पुलिस को ये सारे सुराग एक तरीके से दिए हैं, सबूत दिए हैं दरअसल, आगे अब इन सबूतों के आधार पर पुलिस क्या कार्रवाई करने वाली है? देखिए रवि, ये पूरा मामला 20 मई का है, जो 20 मई को दिल्ली के बुराड़ी इलाके में एक मुनव्वर हसन नाम के बीएसपी नेता की हत्या हो जाती है। उसके बाद जब पुलिस इस मामले की तफ्तीश में जुटती है तो मेरठ के एक बंटी नाम के युवक, जो मुनव्वर हसन बीएसपी नेता का ही कारोबारी दोस्त है, उसको हिरासत में लिया जाता था। उसके बाद जब उसको डिटेन पुलिस करती है तो उससे हत्या का राजफाश हो जाता है। उसने ये कबूला कि उसके अलावा उसने उसके परिवार के 5 लोगों की भी हत्या कर दी, यानी कि एक ही परिवार के कुल 6 लोगों की हत्या इसमें 20 मई को की गई है। उसके बाद उसने अपने साथियों 4 साथियों के साथ मिलकर मेरठ के दौराला इलाके में इन शवों को यहाँ पर दफना दिया था और तीन शव कल दिल्ली में बरामद हो चुके हैं। 3 शव यहाँ पर मेरठ के दौराला इलाके में से बरामद किए गए। जो बरामद हुए शव हैं वो मुनव्वर हसन की पत्नी और उनकी 2 बेटियों के यहाँ पर शव बरामद हुए हैं। पुलिस फिलहाल जांच में जुट गई है और मेरठ पुलिस और दिल्ली पुलिस लगातार यहाँ पर काम कर रही थी, जिसके बाद खुदाई के बाद कल से यहाँ पर दिल्ली पुलिस आई हुई थी और आज खुदाई के बाद 3 शवों को यहाँ से बरामद कर दिल्ली ले जाने का प्रयास यहाँ पर कर रही है। अभी तो फिलहाल इसमें पूरे मामले में 5 लोग जो है गिरफ्तार हो चुके हैं, उन पर कार्रवाई की जा रही है और फिलहाल आगे पुलिस पीएम यहाँ से जो बॉडियां बरामद हुई है उनको पीएम भेजकर आगे कार्रवाई करेगी। जी रवि, नजर आप बना रखें, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए।